सिर्फ और सिर्फ जो वेट कर रहा हूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस महीने तक मेरा लास्ट एंड है कि इस महीने तक गुलाम नजर को वीजा मिल जाना चाहिए और वो भारत में आ जाना चाहिए। ये मेरी डेडलाइन मैंने खींच दी है कि अक्टूबर के महीने तक, लास्ट अक्टूबर तक, अगर दिवाली तक अगर उसको वीजा नहीं मिलता है तो नवंबर में मोमिन मलिक पाकिस्तान जाएगा और गुलाम हैदर को भारत में लेके आएगा कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए, इंसानियत की लड़ाई लड़ने के लिए। ये मैं आपको कह रहा हूं। जी बहुत से लोग कहते जी हैं जी आप क्यों आएंगे, एक यूट्यूबर को हमने देखा किसी ने क्लिप भेजा, कह रहे जी वो नहीं नहीं अपनी वो चला रहे हैं, वो कह रहे हैं जी आप क्यों आएंगे, यहाँ से क्या होगा। तो भाई हमारा हाई कमीशन ऑफ जो इंडिया है वो इस्लामाबाद में है, चूंकि वही स्टैंप लगाएगा वीजा पे, और मैं एक इंडियन हूं तो मैं अपने हाई कमीशन में जाऊंगा, अपने अधिकारियों से मिलूंगा और तमाम जो कागज मैंने दिए हैं वो भी दोबारा फिर लेके जाऊंगा और मैं वहीं बैठ जाऊंगा बाहर जब तक गुलाम हैदर को वीजा नहीं मिलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हाई कमीशन ऑफ इंडिया के बाहर गेट पे ही बैठा रहेगा मोमिन मलिक जब तक उसको गुलाम हैदर को वीजा नहीं मिलेगा। चाहे बेशक भारत में आते ही मैं अरेस्ट हो जाऊं, उसकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन गुलाम हैदर को वीजा दिला के लाऊंगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और हमारी इसके अलावा एक बात और, ये नौबत भी नहीं आएगी हमारे जो भारत की सरकार है, हमारे भारत की सरकार, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, माननीय अमित शाह जी की, जो गृह मंत्रालय के हमारे माननीय, हमारे लोकप्रिय नेता है गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी, वो कभी किसी का जायज काम रोकते नहीं है, चाहे पाकिस्तान का हो, दुनिया का किसी देश का हो, हमारे भारत की सरकार किसी का जायज काम रोकती नहीं है। हाँ थोड़ी बहुत देरी लग रही है क्योंकि ऑफिसर्स बिजी थे J&K इलेक्शंस में और वो बिजी रहते हैं, मामला सेंसिटिव है, काफी दुनिया में फैला हुआ है ये, तो गुलाम हैदर को 101% वीजा देगी भारत की सरकार, ये मैं आपको कहता हूँ। और अगर कोई कमी रह जाती है, कोई बात रह जाती है तो मैं स्वयं जाऊंगा और उसको लेके आऊंगा सूर्य वर्मा जी। और ये बच्चे, बच्चों के ऑर्डर मैंने करवा के रखे हुए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कोई काम पेंडिंग नहीं। देखो सीमा हैदर को जेल भेजना, दो चीजें मेरे तीन ग्राउंड है, दो बातें हैं हमारी, नंबर गुलाम हैदर को गुलाम हैदर के बच्चे दिलवाना, सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरी ये है, सबसे बड़ी अहमियत ये है कि गुलाम हैदर के बच्चों को गुलाम को दिलवाना, सबसे बड़ा पॉइंट ये। नंबर टू, सीमा हैदर ने गलत किया उसको जेल कराना, तो उसको जेल कराने से पहले मैं गुलाम हैदर के बच्चों को दिलाना ज्यादा बेहतर समझता हूँ, और हो सकता है कि गुलाम के आने से पहले पहले ये जेल भी चली जाए। मैं आपको सारी बात कह रहा हूँ, बहुत से लोग कह रहे हैं कि जेल नहीं गई, जेल नहीं गई, ये बटन नहीं है कि बटन दबाया हो गया, इसमें प्रोसेस चलती है, ये कानूनी प्रक्रिया है, जज साहब जो हैं वो दोनों पक्षों को सुनते हैं और फिर फैसला देते हैं। ऐसा नहीं हमने कोई भी केस लगाया और कोई भी हमारी तरफ सुनेंगे और वो एक तरफ फैसला, नो, बाकायदा पुलिस से जवाब भी तलब किया जाएगा, जवाब तलब किया जाता है और रिप्लाई भी लिए जाते हैं, उसके बाद बहस होती है फिर फैसला होता है। तो ये तो जेल जाएगी जाएगी 101%, मेरे से एफिडेविट कोई ले लो, इसको मैं जेल करा के छोड़ूंगा और गुलाम हैदर के बच्चों को गुलाम को दिलवाऊंगा। अब जो वेट कर रहे हैं हम, सिर्फ गुलाम हैदर के भारत में आने की वेट कर रहे हैं, मैंने अपनी सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर दी। अब बहुत से लोग कहते हैं जी 6 केस डिस्पोज हो गया, ये केस डिस्पोज हो गया, ऐसा नहीं है। वकील के दिमाग को सिर्फ वही वकील समझता है जो उस केस को लड़ रहा है, कई केस हमें ऐसे भी डालने पड़ते हैं जो हमें, क्योंकि गुलाम हैदर के पास भारत में कोई सबूत नहीं है, गुलाम हैदर के जो सबूत है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पाकिस्तान के सबूत है, गुलाम हमारे पास जो है वो नेपाल के सबूत भी हैं, दुबई के सबूत भी हैं, जिनको हमने केस में डाल करके उनको हमने सीमा के खिलाफ केस डाल रखे, वो सबूत जब गुलाम हैदर आ जाएगा तो वो केस की कॉपी लेकर के जो मेन केस है उस केस में लगाई जाएगी कि ये नेपाल का सबूत है, ये हमने केस डाला था, ये फला सबूत है, ये फला सबूत है। तो वो जो इतने केस हमने डाले हैं वो उसमें बहुत सारे केसेस तो ऐसे हैं जो गुलाम के लिए हमने सबूत उसके केस को मजबूत करने के लिए सबूत के रूप में डाले हैं ताकि वो सबूत रहे हमारे पास। तो जिस जिस मामलों में रिपोर्ट आई है जिसने पुलिस से मांगी गई थी वो मामले जो है डिस्पोज हो हुए हैं। जैसे हमने फरीदाबाद में लगाया था एक केस, अभी भी चल रहा है पोस्को का, तो पोस्को का केस लगाने से पहले पुलिस का वक्तव्य, पुलिस का स्टेटमेंट लेना जरूरी था
तो हमने पुलिस के खिलाफ केस डाला, तो पुलिस ने अपना स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट हमने पॉस्को केस में लगाया, यानी इधर से डॉक्यूमेंट लिया तो उधर लगाया। और कभी भी डिपार्टमेंट या पुलिस डायरेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं देती, वो क्योंकि मामला पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, सब फूक फूक के कलम रखते हैं, ऑफिसर भी डरते हैं, तो इसलिए हमने केस लगाए और केस लगा के वो डॉक्यूमेंट लिए। जब वो डॉक्यूमेंट मिले, वो केस डिस्पोज हुआ, तो हमने उसको जो है दूसरे केस में जो हमें डालना था मैन केस में, उसमें हमने इस्तेमाल लिया। ये एक वकील की कानूनी गुगली होती है, इसको समझना टेढ़ी खीर है। एक वकील के दिमाग में क्या चल रहा है, किस हिसाब से वो अपने केस को कर रहा है, उसको समझने के लिए दूसरे वकील को भी कई बार चक्री काटनी पड़ती है कि इस वकील का दिमाग कहाँ जा रहा है, ये कैसे काम कर रहा है। तो जो मैंने कानूनी कार्रवाई की है, तो मेरे दिमाग को समझने के लिए भी कम से कम 100 वकीलों को चक्री काटनी पड़ेगी कि इसने कौन सा दिमाग का इस्तेमाल किया है। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो जनरल पब्लिक में हम नहीं बता सकते, हम केवल उतनी ही बात बताते हैं जितनी की बतानी चाहिए, क्योंकि उससे सीक्रेसी लीक होती है। और हमारी जो मुहिम है, लीगल जो हमारी चाल है, उसमें हमें परेशानी का सबब हो सकती है। इसलिए अपने केस को कामयाब करने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप उठाने पड़ते हैं। बहुत से लोगों को समझ नहीं होती, इंटरनेट के माध्यम से ऑर्डर देखते हैं, कम्युनिटी पे लगा देते हैं, ये हो गया वे हो गया, उनको कानूनी समझ नहीं है। पूरी दुनिया के लोगों की जवाबदेही मोमिन मलिक की है, कोर्ट की जवाबदेही मोमिन मलिक की है, गुलाम हैदर की जवाबदेही मोमिन मलिक की है, अंसार वर्मी की जवाबदेही मोमिन मलिक की है, सूर्य वर्मा भी मोमिन मलिक से पूछ रहा है, फयाज रामे भी मोमिन मलिक से पूछ रहा है। तो पूरी दुनिया को मुझे जवाब देना है, इसमें ऐसा नहीं है मेरी रेपुटेशन डाउन पे लगी है, एक इंसानियत की रेपुटेशन मेरी, मैं अपनी रेपुटेशन को दांव पे नहीं मानता, मैं अपनी रेपुटेशन को दांव पे बिल्कुल भी नहीं मानता, मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं और मेरा परमात्मा मेरा ईश्वर जानता है कि कितनी ईमानदारी से मैंने काम किया है। ये इंसानियत की रेपुटेशन दांव पे है, मैं अपनी रेपुटेशन मान करके इस पे काम नहीं कर रहा हूं कि मेरी रेपुटेशन का सवाल है, बल्कि ये इंसानियत के मानने वालों की रेपुटेशन और इंसानियत की रेपुटेशन का सवाल है। और सबसे बड़ी बात है कि एक अभागे बाप के जो उसके बच्चे चार उससे अलग हुए हैं, उनको दिलाने के लिए एक कोशिश है जो मैंने की है, और आप लोगों की लड़ाई के साथ ये कोशिश की जा रही है, इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। सूर्य वर्मा जी, आपका योगदान है। देखो क्या होता है, मैं आपको पूरा प्रोसेस बात जो है ना गुलाम हैदर केस के लिए, मैं आपको भी जो प्रोसेस समझाता हूँ, जो कि क्योंकि मैं कई बार गया भी हूँ और बहुत सारे लोगों को मैं वहां से लेके आया भी हूँ और बुलाया भी है मैंने बात से, तो मुझे तजुर्बा है काफी अच्छा, और आज का नहीं, ये काफी पुराना तजुर्बा है, लगभग 17-18 सालों का तजुर्बा है जब से मैं आना जाना गिरा है। मैं आपको बात बताता हूँ कि कैसे भारत पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस का जो असर है वो दोनों देशों के वीजा मांगने वाले लोगों पर पड़ता है। अगर भारत और पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन हैं, तो जो लोग भारत से पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या जो लोग पाकिस्तान से भारत में आना चाहते हैं, वो लोग अपने अपने वीजे अप्लाई करते हैं। भारत की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद है इस्लामाबाद में, जो हमारा भारतीय उच्चायोग है। इसी प्रकार पाकिस्तान की एम्बेसी हमारे भारत में है, जो कि पाकिस्तान का उच्चायोग है, एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान नई दिल्ली में स्थित है। तो जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो उनको वीजा जो मिलेगा जो पाकिस्तान की एम्बेसी भारत में है वहां से मिलेगा, और जो लोग पाकिस्तान के भारत में आना चाहते हैं, जो हमारे भारत की एम्बेसी इस्लामाबाद में है, उनको वीजा वहां से मिलेगा। मतलब एक दूसरे के ऑफिस एक दूसरे देशों में है, ऐसा कुछ है। वीजा जो है वो क्लीयरेंस के लिए वेरिफिकेशन में डाल दिया जाता है। क्लीयरेंस में जितने भी पाकिस्तानी जो है वो वीजा अप्लाई करते हैं, क्योंकि भारत में कई बार ऐसे बड़े बड़े मामले दोनों देशों के बीच में हुए हैं, बहुत सारे बम ब्लास्ट भी हुए हैं, मुंबई अटैक भी हुआ है, और पंजाब में हमारे एयरफोर्स पे भी वहां पर कई बार वारदात हुई है। तो जो वारदात भारत में हुई है उन कारण की वजह से वीजा, जैसे जैसे वारदात होती है तो वीजा में सख्ती होती चली जाती है,
समझ रहे मेरी बात? तो पहले नॉर्मल प्रोसेस था, गवर्नमेंट पहले नॉर्मली वीजा अप्लाई करते थे, एक एफिडेविट यहां से जो स्पॉन्सर था एफिडेविट देता था और उसमें फोटो लगा देता था, एफिडेविट के बिहाफ पे ही वो वीजा सैंक्शन हो जाता था। लेकिन अब बड़ी गहराई के साथ पहले भारत की जो सुरक्षा एजेंसी है वो उसको क्लियर करती है, आई इंटेलिजेंस है, सीआईडी है, वो पहले वेरिफिकेशन के लिए दिल्ली की जो गवर्नमेंट है कि भाई ये व्यक्ति यहाँ वीजा के लिए आना चाहता है, इसमें बताओ इसका कोई कहीं पे गलत लिंक तो नहीं है, और ये तो वो सारी वेरिफिकेशन इंटरनल रूप पे होती है। ये सरकार को, जो दिल्ली की सरकार है, मिनिस्ट्री ऑफ होम में मैंने आपको बताया था पिछली लाइफ में, वो मैंने काफी टाइम पहले उनको वीजा के लिए लिख दिया था। अब वो वेरिफिकेशन जो है वो चल रही है और उसमें मुझे फोन वगैरह भी कई जगह से आए हैं, वो क्लियरेंस मैंने अपनी तरफ से कर दी है। तो जैसे ही दिल्ली से एक मेल आएगा उसकी मेल की कॉपी मुझे भी मिलेगी, और मेल की कॉपी जो हमारा हाई कमीशन ऑफ इंडिया है इस्लामाबाद में उसको मेल जाएगा। तो जैसे ही वो क्लियरेंस होगा उसी टाइम गुलाम हैदर को फोन जाएगा कि आ जाओ और अपना वीजा तुम्हारा रेडी है, तुम आकर के अपना वीजा ले जाओ। तो ये अंडर प्रोसेस है, हमने रिमाइंडर्स भी 3 रिमाइंडर में भेज चुका हूं और कोर्ट के ऑर्डर्स भी हमने भेजे हैं, और जो उसके अलावा जो जो डॉक्यूमेंट भी सरकार ने मांगे थे वो सारे डॉक्यूमेंट भी हमने कंप्लीट करके कभी के उनको लगा दिया है और उनको मेल द्वारा भी भेज दिया। तो ये चूंकि ये मामला भी हाईलाइट मामला है, और दूसरी बात जो हमारे खिलाफ लोग हैं उन्होंने भी उल्टी सीधी दरखास्तें वहां दी हुई है, तो इस वजह से इसमें देरी लग रही है कि उनकी दरखास्तों को झूठा साबित किया है हमने, जो उन्होंने दरखास्त दी थी ये ना किया जाए, तो उनकी तरफ भी, उन दरखास्तों की तरफ भी वेरिफिकेशन कराई गई है कि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं क्या वो ठीक है या गलत है। तो उनके एलिगेशंस भी हमने झूठे साबित किए हैं, जो जो डॉक्यूमेंट हमसे मांगे गए थे, और वो पूरी जांच में जो एलिगेशंस लगाए गए थे सीमा और उसके भैया उन लोगों की तरफ से वीजा के सिलसिले में, वो बड़े बड़े इल्जाम लगाए गए थे, तो वो इल्जाम भी हमने उनको भी हमने गलत साबित करवाया है। तो ये भी एक जो देरी का कारण हो सकता है, क्योंकि दोनों साइडों की सुनवाई करता है, कोई भी डिपार्टमेंट है या कोई भी कोर्ट है या कोई भी कहीं भी किसी प्रकार की एप्लीकेशन जाती है तो दोनों तरफ देख के कोई निर्णय लेता है। तो इसमें हमने उनकी दरखास्तों को झूठा साबित कर दिया है और वो हम उसमें कामयाब हुए हैं। जल्दी जैसे हमें मेल मिलेगा, क्योंकि सरकार, आपको पता है कि हरियाणा में इलेक्शन था, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन था, और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन तो था तो पूरे हमारे केंद्र की सरकार का जो ध्यान था, क्योंकि वहां आतंकवादी घटना होती रहती है, हमारी फौजियों पर भी वहां अटैक हो जाते हैं, तो पूरा देश का जो ध्यान था, जो होम मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स का, तो ये मूल कारण है इसमें देरी हुई है। और जल्दी उम्मीद करते हैं कि इसमें जल्दी सारा कुछ सिस्टम ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।